हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैजिक वर्ल्ड 11। आज मैं टैरट रीडिंग करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम्स के लिए। ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सबके लिए है, टाइमलेस है, कभी भी आप देख सकते हो, गाइडेंस मिलेगी आपको। जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये कार्ड। दिख रहा है आपको? ओके, तो रीडिंग शुरू करते हैं। द सन कार्ड आया है, बहुत ही सुंदर कार्ड है। जो लोग ट्विन फ्लेम में हैं उनकी रीयूनियन हो सकती है बहुत जल्दी। अगर आप लोग अभी कनेक्टेड नहीं हो या फिर किसी से बातचीत, आपके पार्टनर से बातचीत नहीं चल रही है, देन इट मीन्स बहुत जल्दी होने वाली है आपकी बातचीत। बहुत ही सुंदर कार्ड है फॉर ट्विन फ्लेम्स। द लवर्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, the chariot, the star, ace of wands, the nine of cups. okay, sun card है, the sun card। बहुत ही सुंदर कार्ड आए हैं, सारे कार्ड्स बहुत सुंदर हैं। तो जो भी ट्विन फ्लेम्स में हैं बहुत जल्दी उनकी रीयूनियन होने वाली है। ये देखिए ट्विन फ्लेम कार्ड्स आया है। और आपके जो पार्टनर हैं वो आपको क्वीन ऑफ कप्स फुली लाइक अपने सोल पार्टनर, अपने ट्विन फ्लेम, अपना सब कुछ मानते हैं। उनको पता है कि वो आपसे बहुत ही आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। आपने लगता है काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी मैनिफेस्ट किया है। तो अगर आप लोग अभी रीयूनियन में नहीं हो, अगर मिले नहीं हो, तो मिल जाओगे बहुत जल्दी। द मैजिशियन कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है और मैनिफेस्ट किया है एक दूसरे को। द लवर कार्ड आया है, बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं। तो जो भी ट्विन फ्लेम में हैं, अगर आप लोगों की बातचीत नहीं चल रही है, तो विद इन अ मंथ और टू मंथ के अंदर अंदर आप लोगों की बातचीत हो सकती है बहुत जल्दी। ये देखिए कमिटमेंट देंगे आपको, फुल कमिटमेंट देंगे। एक्चुअली आप लोगों को अपना पर्पस ढूंढना है कि यूनिवर्स में क्यों आए हो, इस दुनिया में क्यों आए हो। आप दोनों को मिलकर वो पर्पस पूरा करना है। ये नहीं कि यूनियन होते ही फिर आप अपना पर्पस भूल जाओ। आप लोग अपने पर्पस की तरफ काम करना। आप लोगों का सोल जो है वो बहुत ही पुराना सोल है, बहुत सालों के बाद आप लोग बहुत ही बहुत सारे रीबर्थ्स के बाद, प्रीवियस लाइफ और उससे भी पहले के लाइफ्स में भी आप लोग ट्विन फ्लेम थे। आप लोगों का जो बॉडी है वो तो दो है पर सोल एक ही है। तो आप लोग जो हो एक पर्पस के लिए इस दुनिया में आए हो, तो मिलजुल के वो पर्पस पूरा करना है। तो आपके अंदर मुझे लग रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग।
लगता है आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है, तो फिर आपने मैनिफेस्ट भी किया है अपने ट्विन सोल को, तो वो हैं। अगर उनको अवेकनिंग नहीं हुआ है तो आपका ड्यूटी है कि आप उनके अंदर के जो स्पिरिचुअलिज्म है उनको, उसको बाहर निकालो, उनको बताओ कि ये चीज़ें क्या हैं और क्यों हैं, तो उनको एक्सप्लेन करो, उनको भी, उनको बोलो कि इस दुनिया में आने के पीछे जो आपका मकसद है, कुछ भी हो, स्पिरिचुअलिज्म के रिलेटेड हो या फिर हीलिंग पर्पस हो आपका, किसी को हील करने का जो वो है, प्लानिंग जो होता है पहले से, जो हम अपने आप को स्पिरिचुअल उसके थ्रू ले जाते हैं अपने लाइफ को, और उसके बाद हम हमारी अवेकनिंग होती है, तो उनकी भी होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो फिर आपके अंदर जो आप जो इनर वर्क कर रहे हो, जो बैलेंस कर रहे हो, फिर वो बेकार जाएगा, फिर वही चीज़ें रिपीटेडली होंगी, तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, तो अगर आप सैड फील करोगे वो भी सैड फील करेंगे, आप हैप्पी फील, तो आपके अंदर की जो एनर्जी है उसको बैलेंस करो, और उनको भी बोलो कि उनके चक्रास के, सोल के सारे ब्लॉक्स ओपन करें, मेडिटेट करें रेगुलरली, और ये देखिए स्टार कार्ड, आपके विशेष फुलफिल होने वाले हैं, कमिटमेंट आने वाली है, पैशन है रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, फैमिली, हैप्पी फैमिली आपके विशेष फुलफिल होने वाले हैं, बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं। ये देखिए द चैरियट, बहुत जल्दी रीयूनियन होने वाली है, तो आप तैयार रहिए, अपने आप को हैप्पी रखिए, अपना सेल्फ लव की तरफ ध्यान दीजिए। मैजिशियन कार्ड आया है, ये देखिए ट्विन फ्लेम कार्ड भी आया है, बहुत ही सुंदर कार्ड है वो, तो आप अपने इनर वर्क करते रहिए, अपने चक्रास को बैलेंस करते रहिए, अपने सोल को क्लीन करिए, टॉक्सिक एनर्जी जाने दीजिए। अब मुझे पता है आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ही एक टफ स्ट्रगल के बाद हुआ है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो एकदम से ऐसी ही नहीं हो जाती, बहुत ज़्यादा उसके लिए हमें बहुत सारे टेस्ट के, यूनिवर्स जो हमें टेस्ट करता है उसके थ्रू से हमें गुजरना पड़ता है, तो हम, आप, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मुश्किल कठिनाइयों से गुजर के यहाँ तक आए हैं, तो ऑब्वियसली यूनिवर्स ने आपको चुना है, आपको ये चीज़ दी है, तो बहुत बड़ी बात है, इतने लोगों में से आपको चुना है स्पिरिचुअलिज्म के लिए या फिर हीलिंग के लिए, तो आप लोगों की मदद करें और आपके जो ट्विन फ्लेम है उनको भी गाइड करें कि ऐसे ऐसे करना है और ये चीज़ें हैं, अगर उनको नहीं पता है, उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, तो आप अवेकनिंग होने में हेल्प करें उनकी, उनको बताएं कि आप फिर, अगर आप सचमुच आपको पता है वो ट्विन फ्लेम है, तो फिर आप उनको बताइए कि वो भी कैसे स्पिरिचुअलिज्म में आए और कैसे दुनिया में जो पर्पस है उनका और आपका मिलकर जो पर्पस है उसको फुलफिल करें। तो ये सिर्फ एक ज़रूरी नहीं है कि एक रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप ही हो, कुछ रिलेशनशिप जो होते हैं फ्रेंड फ्रेंड रिलेशनशिप में जो होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो भी कई बार ट्विन फ्लेम्स होते हैं, तो आप अपने पार्टनर को एक आपकी, आप दोनों की जो सोल है वो एक पर्पस के लिए दुनिया में आई है, तो वो पर्पस आप दोनों जो है वो मिलजुल कर उसको पूरा करिए। आपने अपना, अगर आपका अवेकनिंग हो चुका है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है, तो उनको भी आप उस रास्ते पे ले जाइए और उनको भी गाइड करिए, और वैसे भी आप जो फील करते हो वही वो फील करते हैं, ट्विन फ्लेम में यही होता है कि आपका सोल जो फील कर रहा होता है वही वो फील कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली जब आप कुछ फील करेंगे स्पिरिचुअल रिलेटेड में, तो ऑटोमेटिकली उनका भी जो माइंड है वो पूरा उसी में जाएगा, तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये कुछ चीज़ें जो हैं आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर उनको ये सब चीज़ें नहीं पता है कि क्या मैनिफेस्टेशन होता है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, या क्या चीज़ें होती है स्पिरिचुअलिज्म अवेकनिंग, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं और आप दोनों मिलकर लोगों की मदद कर सकते हो हीलिंग में या टीचिंग किसी भी चीज़ों में, कुछ तो पर्पस भगवान ने आपके लिए चूज़ किया होगा, यूनिवर्स ने आपको सिलेक्ट किया होगा, तो वो पर्पस आप करिए, और अपना आप लोगों का अगर ऑलरेडी हो चुका है, आप लोग ट्विन फ्लेम में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तो ठीक है, अगर आप लोग अभी मिले नहीं हो तो बहुत जल्दी मिलने वाले हो, क्योंकि कार्ड्स इतने,
कार्ड्स इतने सुंदर आए हैं, और भी कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। शॉर्ट बनाऊंगी वीडियो क्योंकि इस बनाने में बहुत अपलोड करने में काफी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। डिसीज सिक्स चक्रा आर्च एंजल मेजिशियन एंड द मिरर, देखा मेजिशियन एंड द मिरर, आपके जो अंदर जो इनसिक्योरिटीज है वही रिफ्लेक्ट करेगा उनके अंदर। अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने धोखा दिया है तो फिर कहीं ना कहीं वो आपके अंदर की चीजें ही रिफ्लेक्ट होती हैं उनके अंदर भी। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, उनको माफ कर दीजिए। आप सेल्फ लव करिए, सेल्फ फर्गीवनेस करिए तो उनको भी माफ कर पाएंगे। तो अपने आप को अच्छे से ट्रीट करेंगे तो ऐसा है कि वो भी आपको प्यार करेंगे। तो ये जो डिसीट है या कुछ भी उनके अगर आपकी उनके साथ लड़ाई हुई है और उनकी और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप ही का मिरर है, तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ट्विन फ्लेम में ऐसा ही होता है, जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो चीजें एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह के लिए ही होती है। तो उसमें एक अच्छा पर्पस है, ऐसा मत सोचिए कि झगड़ा हो गया, हम धोखा दे दिया, तो उसमें कहीं ना कहीं उनका कार्मिक लेसन्स होंगे, कार्मिक रिलेशनशिप होगी फिर उसके बाद। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपकी कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से ये आपकी वजह से कुछ दूरियां हुई होंगी, तो इसमें कुछ नहीं है। तो बहुत जल्दी आप लोगों की स्पिरिचुअल यूनियन होने वाली है, डोंट वरी। ये अगर जो कार्ड्स आए हैं, अगर ये आपको लग रहा है कि इन्होंने धोखा दिया है, तो ये कहीं ना कहीं आप ही को मिरर कर रहे होंगे, या फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए हो रहा होगा, या फिर उनके कुछ कार्मिक लेसन्स रह गया होगा या रिलेशनशिप, जिसमें से उनका भी फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, उसके बाद ट्विन फ्लेम मिलते हैं। तो आप इनर वर्क करते रहिए, बैलेंस करते रहिए, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी आने वाला है डिवाइन टाइमिंग, जैसे आप यहाँ पे कार्ड्स देख रहे हैं। तो मैं कुछ और कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ साइकिक टैरट में से देख लेती हूँ। तो साइकिक रीडिंग टैरट में से देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, कार्ड आ गया। ओके, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, मूवमेंट चॉइसेस डिसीजंस। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि पार्टनरशिप होने वाली है बहुत जल्दी, जैसे आप ये कार्ड देख रहे हैं। बहुत जल्दी आपकी रीयूनियन होने वाली है, आप वेट करते रहे, इनर वर्क करते रहे, वो काम दिखा रहा है अपना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। देखिए क्या आया आपके लिए, तो यही आप कर रहे हो, अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप स्पिरिचुअल्स आपने बैलेंस कर लिया है, सब कुछ कर लिया है ट्विन फ्लेम के लिए, जो भी आपकी अवेकनिंग होनी थी, जिस प्रोसेस से गुजरना होता है वो सब आपने किया है। अभी चक्रास भी बैलेंस कर लीजिए, तो हमेशा ऐसी इसी पॉजिटिव वाइब में रही है, तो उनको भी फिर आप गाइड कर पाओगे, क्योंकि दोनों में से एक ही पहले अवेकन होता है, फिर दूसरा भी होता है, या फिर कई बार दोनों भी हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं, वो अभी अपना कार्मिक लेसन में है, तो बहुत जल्दी आ जाएंगे। आप इसी तरह आप वर्क करते रहिए। तो ये पार्टनरशिप का कार्ड आया, मूवमेंट चॉइस डिसीजंस, तो ये सब चीज़ें कार्ड्स जो आए हैं बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे हो सकता है किसी का बर्थडे 9th, 2nd, 3rd, 7th मंथ या बर्थडे, या फिर आपके जो मुलाकात होने वाली है वो 2 महीने में हो जाए या 2 हफ्तों में हो जाए, रीयूनियन जो होने वाली है 9 में हो जाए, 3, 7, ये डेट्स आप देख लीजिए नंबर्स, ये आपके किसी डेट में से हो सकता है, किसी बर्थ डेट, बर्थ मंथ, या फिर आपके जो मिलने का जो हो। अभी आप गॉड गाइडेंस देख लेते हैं कि गॉड्स एडवाइस क्या है, गॉड क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। ये जो है ना रियूनियन, ये कोई रोक ही नहीं सकता, ये वो उनका सोल कहीं और लगेगा ही नहीं, वो किसी और के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सोल तो आपके पास है, आप दोनों एक ही सोल हो। तो फिर किसी और के साथ अगर अभी है भी, तो वो कार्मिक लेसन होगा,
तो जितने जल्दी वो सीखेंगे, अवेकन करेंगे, जल्दी आ जाएंगे, डोंट वरी। लक इज ऑन योर साइड, ये देखिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आप अपना पर्पस पे ध्यान दीजिए। आपको जो भी आपका पर्पस भगवान ने आपके लिए चूज किया है या यूनिवर्स ने चूज किया है, तो आप उसमें अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, बहुत जल्दी आ जाएंगे वो। अपने काम पे ध्यान दीजिए, यही एक रास्ता है उनको गाइड करने का, कि आप अपना इनर वर्क करते रहें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, और जो भी आपका लाइफ पर्पस है वो आप करिए। कम्युनिकेशन इज़ अ की, आप बातचीत करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा वहाँ से, क्योंकि ट्विन फ्लेम में यही होता है कि आप जो फील कर रहे होते हैं वही वो भी फील कर रहे होते हैं। तो हाँ, हो सकता है छिपाएं आपसे बातें फ्रीली आपकी तरह, क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी होता है, तो ऑब्वियसली ईगोज थोड़े हाई होते हैं। तो हो सकता है कि आपसे बात करने में उनको थोड़ी हिचक हो रही हो, या डर रहे हो, या फिर वो इतने खुलते नहीं हो, सीक्रेटिव हो। तो आप बात कर लीजिए, आप ही का सोल है। ओके ओके गाइस, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो मेरा चैनल जो है वो मैजिक वर्ल्ड 11, उसको सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। ओके गाइस, टेक केयर, बाय।